फिर स्वागत है री क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। उसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन है विच मेटल इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड व्हाई। कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज है, उनमें से कौन सा मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा दिखाना पसंद करता है। ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज में कौन सा मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा दिखाना पसंद करता है, उसका नाम बताओ और उसकी वजह भी बताओ, वो ऐसा क्यों चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो इसके बाद है, पहले इसी को करते हैं। तो देखो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज क्या है, पहले ये बताओ। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है, याद करो, साइंस, टीचर, वेरी क्लेवर, मांगे, फीस, कोई नहीं, क्यों, जाने। ये ट्रांजिशन मेटल की सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है ना। इसमें से जो कॉपर है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को पसंद करता है सबसे ज्यादा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, वजह देखो, कॉपर का नंबर 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। आपको मालूम है कॉपर एक्सेप्शनल केस है, 29 एक्सेप्शन होता है, टोटल एक्सेप्शन 50 नंबर तक चार होते हैं, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, 46 नंबर पैलेडियम, 47 नंबर सिल्वर। तो ये कॉपर का हो गया। अब अगर आप कॉपर को +1 कंडीशन में ले आए तो ये हो जाएगा 4s0 3d10। 3d10 का मतलब क्या हो गया, डी सबशेल पूरी भरी है, और पूरी भरी क्या होती है, हाईली स्टेबल, H.S हाईली स्टेबल। तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना बहुत पसंद करता है। पहली ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना सबसे ज्यादा पसंद करता है, सबसे फ्रीक्वेंट दिखाता है ना। और उसका कारण यह है कि +1 कंडीशन में इसका कॉन्फिगरेशन 3d10 है, डी सबशेल पूरी भरी हुई है और हाईली स्टेबल है। तो आंसर हुआ फर्स्ट सीरीज में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे जल्दी दिखाता है, और उसका कारण उसमें 3d10 कॉन्फिगरेशन होने से डी सबशेल पूरी भरी होती है और वो हाईली स्टेबल होती है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये हटा रहा हूं लिखा हुआ, देखे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिसाइड अमंग एटॉमिक नंबर 29, 59, 74, 95, 102, 104 विच आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और बताइए इन पांचों, सॉरी पांच नहीं छह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन छह एटॉमिक नंबर में से कौन सा एटॉमिक नंबर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का है। बेटा बहुत आसान बात है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f या 5f सबशेल में आता है। अगर 4f में आए तो इन्हें लैंथेनॉइड कहते हैं, और अगर 5f सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आए तो इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। 4f में आना लैंथेनॉइड्स, 5f में आना एक्टिनॉइड्स। तो हम ये जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखे हैं इन्हें 1x1 करेंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f या 5f में आ गया उसे हम बोल देंगे कि वो 4f में आया तो लेंथेनॉइड है, 5f में आया तो एक्टिनॉइड है। चाहे लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जिनमें 4f 5f में लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आया वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। करके देखिए 1, 2, 29 नंबर, 29 नंबर कॉपर का है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, डी में, तो
तो ये डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, ना 4F में आया ना 5F में आया, तो इसका मतलब है ये इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो साबित हुआ 29 नंबर इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप कहोगे सर 59 करके देखना, जरा 59 करके देखो बेटा, 59 भरिए बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2 हो गया, 5s2 के बाद 4d10, 5s2, 4d10, 5p, उसके बाद क्या आएगा 5p6। पहले गिन लो कहां तक आ गए हो, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 और 54। अब आ गया 6s2, 56 और ये 59 है, 4f3, 4f3 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4f में, इसका मतलब ये लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब 59 क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, साबित हो गया 29 नहीं था। इसी तरीके से फिर आप 74, 95, 102, 104 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता होगा, 12th में 11th में सिखाया जाता है। तो बाकी जो एलिमेंट बचे हैं इन चार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन 4f और 5f में आए तो बोलना कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और नहीं आए तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जब आप रियल में करेंगे तो 29, 59, 74 और क्या लिखा है 95, 102 और 104, इनको जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा 59, 95 और 102, ये तीनों आपके निकलेंगे, जिन पे राइट का निशान लगाया है वो निकलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये लोग 29, 74 और 104, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ना तो 4f में आएगा ना 5f में आएगा। दो के मैंने करके दिखा दिए हैं, बाकी चार के आप करके देख लें। आंसर बता दिया है कि 59, 95, 102 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे और बाकी तीन कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, है ना। आउट ऑफ 6 दो को करके दिखा दिया, चार को आपको करना है। आंसर सभी के बता दिए कि क्या निकलेगा, करके देख लेना, आंसर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। हट गया हूं सामने से, देख लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। थैंक यू। Oh, 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 oh